सामने देखिए कैंडल सबको पास ऑन करते जाएं, एक ही एक एक ही जलाएं, बाकी सारे लोग एक ही जला, एक छोड़ देंगे सारी टीम उसको इकट्ठे जला अभी एक कर दो नहीं जलाओ सब सब कुछ जला लेंगे क्लैप हो जाए फिर देन अब बाकी की टीम भी आ जाएगी सोनी प्लीज सभी लोग सब सामने चले जाइए एक मिनट बस सामने थोड़ा हो जाए सब लोग सामने खड़े आपको भी दिखा कैंडल बता दो उस तरफ उस तरफ हाँ हाँ सामने देखिए सामने देखिए मैम कॉल करें जी अपना परिचय दे दीजिए नमस्कार मेरा नाम ममता जसवारा डिडवाल है और मैं मधुमता कम्युनिटी ऑफ आर्टिस्ट की जनरल सेक्रेटरी हूँ ममता जी आज जो ये वेबसाइट की लॉन्चिंग है क्या उद्देश्य है किस तरह का वेबसाइट है क्या लाभ होगा इससे जी सर मधुमता कम्युनिटी ऑफ आर्टिस्ट जो है बेसिकली ये ऑल ओवर इंडिया में जितने भी आर्टिस्ट हैं जो चाहे वो सिंगर हैं डांसर हैं पेंटर हैं किसी भी तरीके के फाइन आर्ट्स में या विजुअल आर्ट्स में हैं म्यूजिशियन हैं उन सभी के लिए एक प्लेटफॉर्म है जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है अपना टैलेंट दिखाने के लिए साथ ही उन लोगों के लिए जो किसी भी फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से या लैक ऑफ सपोर्ट की वजह से सीख नहीं पा रहे हैं लर्न नहीं कर नहीं पा रहे हैं हमारी सोसाइटी उनको काफ़ी हद तक इसके अंदर में मॉनिटरी सपोर्ट करेगी और उनके लिए एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगी मैम बात की जाए तो जो नए कलाकार आ रहे हैं उनके लिए प्लेटफॉर्म कैसा रहेगा अब बहुत ही बढ़िया रहेगा और जो पुराने हैं उनके लिए भी बिकॉज सबसे बड़ी चीज़ हमने इसमें किसी भी तरीके की एज वाइज में किसी तरीके का धर्म जाति समुदाय कुछ भी नहीं है और कोई भी जो भी हमारे स्टेज के माध्यम से अपनी कला को प्रदर्शित करना चाहता है वो कर सकते हैं और हमारी टीम का एक काम ये भी है कि हम छोटे से छोटे शहर में जा कर के खुद ही हमारी जो टीम है कैमरा टीम है हम वहाँ पर जा कर के जो गांव का टैलेंट है हिडन टैलेंट है उनको हम लेकर आएंगे उनकी शूट करेंगे और उनको हम डिजिटल प्लेटफॉर्म चाहे वो हमारा फेसबुक है यूट्यूब है इंस्टाग्राम है ट्विटर है उस पर हम उनको वायरल करेंगे और जो हमारा फोक कल्चर है जो लोग भूलते जा रहे हैं उसको भी हम आगे लेके आएंगे इसके लिए ऐसे शहर जैसे कि अगर मैं बात करूँ यूपी की तो कजरी है या बिहार के जो लोक संगीत हैं पंजाब का जो गिद्दा है या जो झारखंड में जो टैलेंट है या जो मधुबनी आर्ट है उनके आर्टिस्ट से हम एक बारी उनका क्या काम है वो हम यूथ तक पहुंचाएंगे ताकि यूथ जो आजकल वेस्टर्न की तरफ जाता जा रहा है उसको पता तो चले कि उनका खुद का कल्चर कितना रिच है और वो उसको समझे अपनाए और उसको आगे फॉरवर्ड करे थैंक यू जी अपना परिचय नमस्कार मेरा नाम आलोक कुमार गौतम है और मैं मधुमता कम्युनिटी ऑफ आर्टिस्ट का एज ए बी प्रेसिडेंट मैं सर्व करूंगा इसको आलोक जी भी वेबसाइट क्या है किस तरह का इससे लाभ होगा कौन से कलाकार इससे जुड़ सकते हैं और कैसे जुड़ने का तरीका है देखिए क्या है कि इसमें कलाकार को जुड़ने का कोई फाउंडेशन नहीं है कोई फाउंडेशन नहीं है एज का कोई फाउंडेशन नहीं है और ना ही किसी भी चीज़ का फाउंडेशन इवन हम लोगों की जो कम्युनिटी होगी उस ऐसा नहीं है कि हम लोग बेस्ट परफॉर्मर को ही सेलेक्ट करता है मतलब इवन बिगिनर है मतलब इवन जो बाथरूम डांसर भी आप एक समझ सकते हैं अगर वो भी है अगर आप हमारी कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हैं तो वो जुड़ सकते हैं और प्लेटफॉर्म क्या होगा हमारा वेबसाइट जैसे कि हमने बताया अभी कि हम लोग वेबसाइट लॉन्च करने वाले हैं
वेबसाइट पर सारी फैसिलिटीज रहेगी। अगर कोई बंदा अपना वीडियो अपलोड करना चाहता है तो हमारी वेबसाइट पर जा करके हमारा ऑप्शन है वहाँ पर, वो जाएगा वहाँ पर और अपना वीडियो को अपलोड कर सकता है। हम उसके लिए क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। जैसे कि कई सारी चीज़ें होती हैं जिनके पास सुविधाएं नहीं होती हैं या इंटरनेट की व्यवस्थाएँ नहीं होती या जिस किसी भी तरीके मॉनेटरी जैसा बताया गया, तो हम क्या करेंगे उन सारे कलाकार को सोशल मीडिया के थ्रू पूरे वर्ल्ड में प्रमोट करने का काम करेंगे। हमारा मेन पर्पस यही है कि चाहे हिडन कलाकार हों या जो ऑलरेडी इस मार्केट में है जो अच्छे तरीके से कर रहा है, इन सबों के लिए एक साथ हम लोग उनको प्लेटफॉर्म लेकर के आए हैं। और ये हमें उम्मीद है कि हमारा जो कम्युनिटी ऑफ आर्टिस्ट है ये काफ़ी अच्छा जाएगा और हमें प्रमोशन के काफ़ी अच्छे। तो क्या इस कम्युनिटी में जुड़ने के लिए कोई चार्ज वगैरह भी है? नहीं, देखिए अभी फिलहाल क्या है कि हमने कोई चार्जेस नहीं रखा हुआ है। अभी क्या है कि एज ए फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, आगे की जो रिक्वायरमेंट्स होगी धीरे जब अपने आप को और इस्टेब्लिश करने आगे जाएंगे तो जो भी हमारा फीडबैक होगा और हमारे जो रिस्पॉन्स आएंगे हमारे मार्केट से उस हिसाब से हम काम करेंगे। फिलहाल देर इज नो कॉस्ट, कुछ भी कुछ नहीं है, कोई भी बंदा हमारे पास अप्रोच कर सकता है, हमारे पास सारी व्यवस्थाएँ हैं और